बुलेट रफ्तार से चीन से आगे निकलने वाला है। भारत तेल आयात होगा बंद। जिस चीज पर कभी चीन पर पूरी तरह डिपेंड था, अब करेगा उसका निर्यात। अरब देश तेल को लेकर नहीं दिखा पाएंगे। अकड़ भारत होगा आत्मनिर्भर। भारत चीन को न केवल रक्षा के मामले में बल्कि इकोनॉमी से लेकर तकनीक में भी पीछे धकेल रहा है। इसके लिए लंबे वक्त से प्लान बनाकर काम किया जा रहा था, जिसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। जिसकी वजह से भारत जिस चीज को चीन से खरीद रहा था, अब उसे वो खुद ही निर्यात करेगा। वहीं अरब देश भी तेल को लेकर भारत को कोई धमक नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि भारत में पेट्रोल डीजल की खपत बेहद कम हो जाएगी, जिसके लिए भारत को रूस की सप्लाई पर्याप्त होगी। और ऊर्जा के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिससे भारत की इकोनॉमी बुलेट रफ्तार से चीन को पीछे छोड़ देगी। तो आखिर क्या है भारत का मेगा प्लान? ऊर्जा में कैसे बनेगा आत्मनिर्भर? क्या हुआ है चौंकाने वाला खुलासा? इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत का ई व्हीकल प्रोग्राम पहुंचा कामयाबी के कगार पर। अब लिथियम आयन बैटरी भारत दुनिया को करेगा एक्सपोर्ट। चीन के बाजार में भारत सीक्रेट तरीके से कब्जे को हुआ तैयार। भारत लंबे वक्त से इस मकसद के लिए काम कर रहा है, जिससे कि पेट्रोलियम पर उसकी निर्भरता कम हो सके। भारत ने इसके लिए ये प्लानिंग बनाई थी कि भारत पहले तो अरब देशों से कम तेल आयात करना शुरू करे, जबकि इसके बाद वो तेल पर ही निर्भरता खत्म करे। इस प्लानिंग के तहत उसने कई देशों से खनिज ब्लॉक्स की भारी भरकम डील की हुई है। इन खनिजों का इस्तेमाल ई व्हीकल की बैटरीज और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में किया जाता है। इस बारे में पूरी डिटेल हम आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जिन लिथियम आयन बैटरीज के लिए भारत पहले चीन पर डिपेंड था, अब वो खुद ही उनका निर्यात करने वाला है, जिससे भारत को तगड़ा मुनाफा होगा। हम बात कर रहे हैं लिथियम की, जो एक ऐसा मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल लैपटॉप समेत इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। फिलहाल इसके लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन जल्द ही ये तस्वीर बदलने वाली है। और ये बदलाव इस हद तक होगा कि भारत जल्द ही लिथियम आयन बैटरी ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट करेगा। मतलब जिस चीज के लिए अभी तक भारत मोहताज था, अब उसका सरताज बनने वाला है। भारत जिस स्पीड से काम कर रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में 1 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री होगी और ईवी फाइनेंस मार्केट बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। हालत इस कदर बदले हैं कि लिथियम आयन बैटरी की कीमत, जो पहले $150 प्रति किलोवाट प्रति घंटा हुआ करती थी, अब घटकर 107 से $108 प्रति किलोवाट प्रति घंटा रह गई है। देश में 5 कंपनियों ने लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी है और अगले कुछ सालों में इसकी कीमत घटकर $90 प्रति किलोवाट प्रति घंटा रह जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से भारत ने कार्बन उत्सर्जन कम करने का फैसला लिया था। इस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इससे शहरों का प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। दिल्ली जैसे शहरों में इसका असर देखा जा सकेगा। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की ज्यादा कीमत की वजह से इसे खरीदने पर सब्सिडी देती है, जिससे कि लोग आर्थिक बोझ की वजह से इसे अपनाने से न भागें। लेकिन अब दोनों वाहनों की कीमतें बराबर हो जाएंगी, क्योंकि सरकार ने इसके लिए मजबूत इकोसिस्टम बना लिया है। लिथियम आयन बैटरी के मार्केट पर फिलहाल चीन का दबदबा है और दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली हर 10 लिथियम बैटरी में से 4 का इस्तेमाल चीन में होता है। इसके प्रोडक्शन में भी चीन दूसरों से आगे है। दुनिया भर के लिथियम बैटरी के प्रोडक्शन का 77% चीन में होता है। भारत की अगर बात करें तो लिथियम बैटरी का सबसे ज्यादा आयात चीन और हांगकांग से होता है। भारत ने 2020-21 में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अगले साल यानी 2021-22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी, लेकिन अब देश में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। यही नहीं, देश में लिथियम का एक बड़ा भंडार भी मिल चुका है, जबकि भारत कई देशों से लिथियम के ब्लैक हासिल करने के करार किए हैं। दुनिया भर के कीमती खजाने पर भारत करता जा रहा कब्जा। अर्जेंटीना से हासिल किया लिथियम, जाम्बिया से निकालेगा तांबा। भारत दुनिया के उन तमाम देशों के साथ संपर्क कर रहा है और उन खनिजों के ब्लैक हासिल करने में लगा है, जिनसे उसकी जरूरतों की सप्लाई हो सके। अर्जेंटीना के साथ भारत ने लिथियम के लिए करार किया है। वहीं तांबे के लिए जाम्बिया के साथ बातचीत अंतिम दौर में चल सही है, जो देश के साथ समझौता करने को तैयार है। वेदांता ग्रुप की हिंदुस्तान जिंक भी जाम्बिया में खनन के लिए खनिजों का सर्वे कर रही है। इस कंपनी में भारत सरकार की भी 35% हिस्सेदारी है।
इसी वजह से भारत सरकार इस मामले में इस कंपनी का सहयोग ले रही है। वेदांता जाम्बिया के कोंकोला कॉपर माइंस का मालिकाना हक रखती है, जिसमें जाम्बियाई सरकार की 20% हिस्सेदारी है। 2023 में वेदांता ने तांबे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जाम्बिया में $1.2 बिलियन से अधिक का निवेश करने वाली है। KCM के पास लगभग 250 मिलियन टन तांबा अयस्क भंडार है। जाम्बिया में दुनिया के तांबे के भंडार का लगभग 6% है और 2022 में तांबे का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक था। इसी वजह से भारत तांबे के लिए इस देश के साथ करार करना चाहता है। भारत ने सरकारी स्तर पर इस देश के साथ कई दौर की बातचीत की है, जो अब आखिरी दौर में है। इसके अलावा भी खनिजों के लिए कई अफ्रीकी देशों और लैटिन अमरीकी देशों में ब्लैक हासिल करने और खनन करने के लिए सरकार बात कर रही है, जिसके लिए भारत सरकार के खनन मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक कंपनियां CPSE और KABIL विदेशों में खनिजों के ब्लैक हासिल करने के लिए काम कर रही हैं, और KABIL ने दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के साथ 5 लिथियम ब्लॉकों के सर्वे और खनन के लिए करार कर चुकी है। ये करार $2.4 करोड़ का किया गया है। अभी तक इस तरह के कच्चे माल के लिए भी भारत को चीन पर निर्भर रहना पड़ता था, जो कि इन्हीं देशों से इन खनिजों का खनन करके दुनिया के कई देशों को मोटे फायदे के साथ बेचता था। भारत भी चीन से ही अब तक खरीद रहा है, लेकिन अब करार हो जाने के बाद इस मामले में भी भारत की चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। वहीं देश को इसका जबरदस्त आर्थिक फायदा होगा। खुद भारत इनका इस्तेमाल तो करेगा भी, निर्यात भी कर सकेगा, जिससे तगड़ा मुनाफा होगा। इस तरह से भारत तमाम ऐसे कदम उठा रहा है जिससे वो आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, जबकि चीन को इससे तगड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि इससे भारत के बाजार से उसका बोरिया बिस्तर सिमटता जा रहा है। भारत तमाम खनिजों के लिए इसी वजह से जोर दे रहा है, क्योंकि ये भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल डीजल के धुएं से मुक्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, भारत के इन कदमों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने सुझाव कमेंट में जरूर रखें।